मुझे गुस्सा बहुत ज्यादा आता है। मैं गुस्से में हर वक्त लाल रहता हूँ। मेरे से गुस्सा काबू में नहीं होता है। या सामने वाले को गुस्सा बहुत ज्यादा आता है और वो गुस्से में आपे से बाहर हो जाता है। बात बात पर गुस्सा करना, बात बात पर लड़ाई झगड़े करना और बात बात पर रोब जमाना और अगर कुछ कह दिया तो गुस्से में लाल पीला हो जाना, ये सभी आदतें अगर किसी इंसान में होती है तो हम लोग कहते हैं कि ये बंदा बहुत ज्यादा गुस्सा करने वाला है, इस बंदे को गुस्सा बहुत जल्दी आता है। वैसे एक रिसर्च में पाया गया है कि गुस्सा कमजोर लोगों को यानी कि कमजोर शरीर वाले लोगों को बहुत ज्यादा आता है, अनपढ़ लोगों को और पतले दुबले इंसानों को गुस्सा बहुत ज्यादा आता है और बहुत ही जल्दी आ जाता है। तो दोस्तों, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। इस गुस्से को खत्म करने के लिए आज मैं आप सभी को एक बहुत ही अच्छा वजीफा बताऊंगा, एक बहुत ही अच्छा अमल बताऊंगा। आज की इस जानकारी के अंदर मैं आप सभी को एक ऐसा वजीफा बताऊंगा जिसको पढ़कर आप अपने गुस्से को भी बहुत ही जल्दी काबू में कर सकते हो और सामने वाले गुस्से को भी बहुत ही जल्दी ठंडा कर सकते हो। वजीफे को किस तरह से पढ़ना है, कितनी बार पढ़ना है, कितने दिनों तक पढ़ना है, इन सभी बातों के बारे में जानने के लिए आखिर तक मेरे साथ बने रहिए। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और घंटे के बटन को भी जरूर दबा दो और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आप फिर वीडियो देखने के बाद लाइक करना भूल जाते हो। अगर आपको बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है तो उस वक्त आपको एक गिलास पानी लेना है और उस एक गिलास पानी पर एक बार या वदूदू पढ़कर दम कर देना है, यानी कि एक मर्तबा या वदूदू पढ़कर फूंक मार देनी है और वो पढ़ा हुआ पानी आपको पी लेना है। इंशाल्लाह पीने के थोड़ी देर बाद ही आप अपने गुस्से को काबू में कर लोगे, आपका गुस्सा शांत हो जाएगा। और अगर ये गुस्सा सामने वाले को आ रहा है तो ये भी इसी तरह से ठंडा हो जाएगा। आपको एक गिलास पानी लेना है और फिर उस पानी पर एक मर्तबा एक बार या वदूदू पढ़कर फूंक मार देनी है, दम कर देना है और ये पढ़ा हुआ पानी उस शख्स को पिला देना है जिसको गुस्सा आ रहा है। इंशाल्लाह इस पानी के पीते ही गुस्सा ठंडा हो जाएगा, गुस्सा बिल्कुल खत्म हो जाएगा। और अगर आप ये चाहते हो कि घर में बहुत सारे बंदे हैं, सब आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं, सबको गुस्सा आता है, तो आपको 1000 बार या वदूदू पढ़ना है और एक गिलास पानी पर दम कर देना है, तीन बार फूंक मारनी है और ये पढ़ा हुआ सारा पानी मटके में या वाटर कूलर में या उस बर्तन में डाल देना है जिस बर्तन में से सभी पानी लेकर पीते हैं, यानी कि ये पढ़ा हुआ पानी सभी के पीने वाले पानी में आपको मिला देना है। इंशाल्लाह बहुत ही जल्द आपको फर्क दिखना शुरू हो जाएगा और घर के सभी आदमियों में प्यार मोहब्बत बढ़ जाएगी। तो दोस्तों, आज की ये जानकारी आप सभी को कैसी लगी है मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताना और इस जानकारी को दूसरों तक भी शेयर कर देना ताकि हर एक शख्स इस दुआ को पढ़कर अपने गुस्से को ठंडा रख सके और अपने गुस्से को काबू में कर सके। आप शेयर करते रहिए, मैं फिर मिलता हूँ आप सभी से एक और नए टॉपिक के साथ।